ये रहा भाई हमारा पोस्ट मील वर्कआउट। आज का मेरा बॉडी वेट है 71.70। वेरी गुड, हाई फाइव। तो कहाँ गई तू? रुक। तो ये देखो भाई, आज का वेदर कितना मस्त है, बढ़िया लग रहा है। और आज मैंने अपना कोई एक भी क्लास नहीं लिया जो मैं क्लास लेता हूँ अपना योगा और फिटनेस का, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम देने जाना है। और आज के दिन ही ऐसा मौसम होना था, बट अच्छा लग रहा है, बस बारिश ना हो जाए। लग तो रहा है लेकिन होगा, बट जो भी है अच्छा लग रहा है मौसम। ठीक है, तो अभी हम बढ़िया से जल्दी से रेडी होते हैं। और अभी मैं सुबह 6 बजे से पढ़ ही रहा हूँ, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं, उसी दिन पढ़ के एग्ज़ाम देते भाई अपन। ठीक है, जो मेरे जैसे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज का देखते हैं चैलेंज कंप्लीट कब करते हैं, अपने को कब टाइम मिलता है। वैसे इवनिंग में आज शादी में भी जाना है, तो आज फुल व्लॉग बढ़िया रहेगा, व्लॉग आज देखना। और चैलेंज आज अपन लेग्स का हो गया, 3 वर्कआउट कर लिए, अब अपन ट्रेन करेंगे 2 से 3 दिन एब्स को। तो एब्स तो अपन देखते हैं, 1 घंटा अपने को टाइम निकालना है आज, अच्छे से कार्डियो और एब्स ट्रेन करेंगे। और आज कौन सा एब्स वर्कआउट बताऊँगा उसके लिए वीडियो में बने रहो। और अभी चलते हैं अपना कॉलेज रेडी होके। तो लो भाई, अपन हो गए रेडी, और बॉडी देख लो, नहाने के बाद बॉडी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन गेनिंग चालू कर दिए हैं, और मुझे अभी 3 दिन हुआ है डाइट पूरा लिए, और मुझे अभी से पंप फील होना चालू हो गया, देख रहे हो, मतलब वो एक बल्कनेस आ रहा है धीरे धीरे। देखते हैं, तो अभी बॉडी वेट है 71.70। आज का मेरा बॉडी वेट है 71.70। ठीक है, 71 किलो 70 ग्राम, तो इसको अपना टारगेट है भी 73 पे जाके रोकेंगे। और भाई अभी अपन गेनिंग पे है, इसलिए अपन आम भी खा सकते हैं। और वैसे गेनिंग करो या कटिंग, अभी गर्मी का सीज़न है, और गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया। सो फाइनली यार, अपना एग्ज़ाम हो गया आज का ख़त्म, अब सीधा एग्ज़ाम है 1 दिन बाद, मतलब 9 को है। और एग्ज़ाम कैसा गया ये तो बिल्कुल मत पूछना है, क्योंकि सुबह पढ़ के एग्ज़ाम दिए, बट फाइनली अच्छा ही गया, क्योंकि मेरे जो क्लास में थे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शीट मैंने ही लिया है। भले ही कुछ भी लिख रहा था, पेज भरना था, लेकिन मैंने कम से कम 3 शीट लिया है, बाकी लोग ने 1-2 बार। और मैम भी देख, मतलब जिसमें शीट का लिखते हैं कुछ शीट का नंबर, वो उस पर जगह ही नहीं बचा, मैंने 3-4 शीट ले लिया था, बाकी पेज अच्छे से भरा हूँ, बाकी अब उस पर है टीचर्स पे अच्छा गया। लेकिन क्या है, इजी क्वेश्चन थे, बस पूरा पेज भरने वाला ही था, लिखो जितना लिख सकते हो। और आज अपना चैलेंज देखते कब कंप्लीट करते हैं हम, अभी घर जाते बढ़िया खाते पीते हैं, और चैलेंज वही जिम में करेंगे या फिर कहीं और देखते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले कैब्स के वर्कआउट हम घर पर भी कर सकते हैं, और आज शादी में भी जाना है, अपने सर की बहन की शादी है तो उसमें भी जाना है। तो व्लॉग में क्या नाम है? शान्विका अग्रवाल। आप स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? आप कौन से स्कूल जाते हो? सन कैचर्स। वेरी गुड। आप कौन से स्कूल जाते हो? आपका नाम क्या है? क्या? अनवी। आपके पापा का क्या नाम है? आपके मम्मी का क्या नाम है? आप किसके यहाँ आए हो अभी? आप किसके यहाँ आए हो? किसके यहाँ? आपके फ्रेंड का क्या नाम है? अनवी। कौन है अनवी? आपके दादा का क्या नाम है? आपके दादी का नाम? मुन्नी अग्रवाल। तो ये देखो भाई, उसे अपना पूरा खानदान का नाम पता है, और इसे ए दादी के नाम दादी का नाम पता। कहाँ भाग रही मुँह छिपा के? छे नाक कटा दी। वेरी गुड, हाई फाइव। दो भी आपको तरबूज नहीं दी? ये आपकी दोस्त है, ये गंदी दोस्त है ना आपकी, ये आपको तरबूज नहीं दी? आप डेली एगो और तरबूजा खत्म कर दी। वो आपकी फ्रेंड है कि दुश्मन है? हाँ,
दुश्मन दुश्मन बोल रही है रे तेरे को, तू तरबूजा नहीं दिख ए मार। आप भी दिखा दो बॉटल, आप भी दिखा दो, जा उसके घर जाके देना, वो भी तेरे कुछ नहीं देगी। साला नहीं खाते, ऐसे बॉडी दिखाओ, दोनों हाथ से दिखाओ बॉडी, बॉटल नीचे रख दो दोनों, ऐसे आनवी कर, आनवी बॉडी दिखा, हाँ ऐसे बॉडी दिखाओ। वाह, आप बॉडी कैसे बना लिए, आप क्या क्या खाते हो डेली? बॉर्नविटा पीते हो? और कितना गिलास दूध पी लेते हो? चार गिलास? रे रे टकली मारेगी उसको। आप इतना गिलास पी लेते हो दूध? इतना गिलास इधर देखो, फिर बॉडी दिखाओ। रे पानी फेंक रही है ये, तो इसको घर पे बेइज्जती करने बुलाई है। हाँ जा खिलौना लेके आ। तो लो भाई अपना बच्चों के साथ खेलना हो गया, अब निकल रहे अपने जिम। और ये देखो पूरी तैयारी के साथ जिम बैग और स्विमिंग बैग दोनों ले लिया हूँ, क्योंकि आज स्विमिंग था जल्दी जाना हो, क्योंकि शादी में जाना है। और अभी जिम में चलते हैं और अपना 100 आज हम क्रंचेस करने वाले, तो 100 क्रंचेस करके आज अपना 100 रेप चैलेंज कम्प्लीट करते हैं। लो भाई अपन पहुंच गया जिम, गाड़ी को करते हैं बंद। और बढ़िया आज जाके आज है मेरा शोल्डर वर्कआउट, तो शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट करके उसके बाद मारेंगे क्रंचेस, और अब क्रंचेस चलते रहेगा और मैं उसके बेनिफिट से सब अपन बात करते रहेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सो आज है हमारे 100 रेप चैलेंज का डे 10, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्रंचेस। तो क्रंचेस एक्सरसाइज आप इसे बोल सकते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट एक्सरसाइज है, जो कि सिर्फ हमारे और सिक्स पैक्स एब्स लाने के लिए क्रंचेस एक बहुत अच्छा वर्कआउट है, जो कि सिर्फ आपको कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा फैट लेवल, जो फैट का इंटेक है उसको कम रखना पड़ेगा। एक अच्छा डाइट फॉलो करिए कुछ समय तक, ठीक है। अगर हाँ मेंटेन करना चाहते अपने सिक्स पैक एब्स को, तो ऑफ कोर्स डाइट आपको हमेशा उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, अपना फैट लेवल कम रखेंगे तो। और इस क्रंचेस एक्सरसाइज को, और क्रंचेस एक्सरसाइज आपके कोर के साथ आपके लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपका लोअर बैक भी एंगेज होता है। सो फाइनली मैंने अपना 100 रेप चैलेंज का डे 10 कम्प्लीट कर लिया 100 क्रंचेस के साथ। तो लो भाई अपना वर्कआउट हो गया ख़त्म और अब चलते हैं स्विमिंग करने। और इतनी कस के मुझे भूख लगी है भाई, क्योंकि आज मैंने अपना 2 डाइट मिस कर दिया था कॉलेज के कारण, तो ये होता है जब आदमी बहुत बिजी हो जाता है। तो इसलिए देखो भाई दूध का पैकेट है, बढ़िया दूध पीते हैं और बॉडी बनाते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, दूध पीने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं दही ख़रीदने गया था, मैंने गलती से, समझ रहे हो ना, दही को दूध समझ के उठा लिया, तो दूध का पैकेट पड़ा है। आज हमने दही भी नहीं लिया, अपना डाइट आज डाइट मतलब हुआ ही नहीं, इतनी कस की भूख लगी है। अभी शादी में पहले स्विमिंग पूल चलते हैं, वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, आधा घंटा 40 मिनट अपन करके जल्दी से रेडी होके सर को अपन पिकअप करेंगे। सर को पिकअप करने के बाद निकल जाएंगे सीधा शादी में, और शादी में भाई जम के खाते हैं और डाइट अपना पूरा करते हैं। उसमें डाइट क्या ही होगा बोलो, बस पहले जाओ भाई खाओ भर पे। तो चलते हैं अभी, लाइट ऑफ। देखो भाई दवाई दुकान पे कितनी भीड़ है, दवाई लेने के लिए लोग इतना लाइन में लगे रहते हैं भाई, समझ रहे हो ना, कौन सा दवाई जा भाई ठोकेगा क्या। तो हमारा स्विमिंग पूल ज्यादा दूर नहीं है भाई, क्योंकि हमारा जहाँ जिम है ना वहीं से जस्ट मतलब 2 किलोमीटर के रेंज में है, तो बस 5 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे। तो हम पहले कुछ खाते हैं रास्ते पे, क्योंकि मुझे इतनी कस की भूख लगी है मैं क्या बताऊं, तो कोई मतलब नहीं होगा खाली पेट स्विमिंग करने का, वैसे ही अपना डाइट पूरा नहीं हो पाता। तो पहले कहीं रुक के कुछ खाते हैं, उसके बाद स्विमिंग करने चलते हैं। तो ये रहा भाई हमारा पोस्ट मील वर्कआउट, मुझे गाड़ी में आके खाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी, अभी इवनिंग का टाइम बहुत क्राउड था।
तो हमने वही वेज चीज़ ग्रिल्ड और मैंगो शेक लिया है, और इसलिए क्योंकि थोड़ा कैलरी इसमें ज़्यादा है। प्रोटीन डाइट तो अभी नहीं ले पाया, कल से चालू करेंगे। मेरा प्रोटीन भी ख़त्म हो गया है, तो अभी जाएंगे अपन हेल्थ कार्ट, वहाँ से भी प्रोटीन का डब्बा उठाएंगे और कल से अपन बिल्कुल डाइट फॉलो करते अच्छे से। अभी सर चलो भैया, हम आ गए स्विमिंग। बढ़िया, देखो एब्स वर्कआउट करने के बाद बॉडी तो काफ़ी सॉलिड लग रही है यार। चलते हैं और थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करते हैं। सुनो भाई, अपन हो गए जल्दी से रेडी, सब सामान वामान ले लिए, पानी का बॉटल भी ले लिया भाई, थोड़ा अभी वर्कआउट करने आ रहे हैं तो अपने आपको हाइड्रेट रखे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। कहाँ रह गए भाई हमारे सर जी? तो अभी हम आ गए भाई सर को पिकअप करने। सर पता नहीं इतना टाइम लगा रहे रेडी होने में, ऐसे तो भाई लोअर और टी शर्ट पहन के हर जगह आ जाते हैं, आज पता नहीं इतना रेडी कैसे हो रहे। देखते हैं, लोअर टी शर्ट ही पहन के जाते हैं भाई वो शादी में भी, मेरे को पता है। अभी खिलाएंगे तो अगर नहीं पहनेंगे तो भाई आज कुछ अलग बात होगा, नहीं तो बाकी लोअर टी शर्ट में ही। अभी कॉल किया, बोले दो मिनट में आ रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ भाई। देखते हैं क्या रेडी हो रहे हैं ऐसा सर, जल्दी आ जाओ भाई, उनको कॉल लगाने दो। फाइनली यार शादी वादी सब अपन निपटा लिए, बढ़िया सर वो आ गए शादी से, बढ़िया खा पी लिए, बढ़िया डांस वांस भी कर लिए। ये भी सर को छोड़ के निकल गया, और भाई अभी देख लो 12 बज गया रात के, एक्चुअली और जल्दी ही निकला नहीं तो भी वहाँ बहुत टाइम लगता। तो बस आज के ब्लॉग यहीं ख़त्म करते, अब सुबह घर चलते, बढ़िया 5-6 घंटे की नींद लेके सुबह क्लास लेने चलते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, सी यू।